हेलो जी, सत श्री अकाल। मैं हरजिंदर मानसिया फ्रॉम एडी क्रिएशंस थोड़ा सारिया का अपने चैनल एडी क्रिएशन लुधियाना से स्वागत करती हूँ। होप तो सारे बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। परमात्मा करे सब तंदुरुस्त रहो, खुश रहो। आज मैं थोनों फिर तो स्टिच करे हुए सूट्स की वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि अजकल स्टिचिंग का इन्ना ज़्यादा रश है। मेरे को होर काम करने इन्ना टाइम नहीं मिल रहा जिन्ना असं स्टिचिंग लगे हुए हैं। आ भी स्टिच करना, वो भी किसी की पेंट बन रही है, जिवें अज मेरा ये सूट तुसीं देखिया ही है, ते किसी की पेंट बननी है। ये मेरे पास ग्रीन कलर तो अवेलेबल हैगे ने, ग्रे नहीं है, जो है वो बन चुके हैं। तो अज मैं ग्रीन सूट भी, मैनू बहुत ज़्यादा रिस्पोंस आया कि जो तुसीं पाया ट्राई करो, जो मिल जाए मैं जाऊँगी मार्केट। अगर मैनू सेम प्रिंट मिल गया तो मैं लेके आऊँगी। काफ़ी कॉस्टली पै रहा वो सूट, तो अगर ना मिले तो कोई होर प्रिंट आप समर्स वाले रेडी कर लेंगे। तो ज़्यादा तो मैं कि बोलना ये मैं ये भी मैं सूट दिखा दूँ, वीडियो लंबी हो जाती है ताकि तुसे भी बस सूट देखो तो फ्री हो जाओ। ये सेम मेरे वाला सूट, ये सूट जो मैं पाया सेम है। ये चुन्नी च मैं चेंज किया थोड़ा, सेम मेरे सूट से इतने पीच और बड़े बटन लग गए थे जो मैं पसंद नहीं सी। ये सेम कलर थी पोटली और एग्जैक्टली सेम। पिछली वीडियो भी मैं इन्हों सूट दिखाए थे, मैंने इन्हों का कॉल आया कहते भी तुम किसी की सलवार बनाई है दो लाइन पा के, मैनू उदा की बहुत पसंद है। मैं हस रही थी, मैं क्या जी वो थोड़ी हुई है ये भी उन्होंने अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ मेरा बन गया सूट। ये असी पेंट बनाई है, ये पेंट के टेढ़ा लैके गए हैं, इसनों चेंज करके पैटर्न, क्योंकि पेंट के साइड तो ज़्यादा सोहना लगेगा, इदा करके लैके पैचवर्क। ये जो दुपट्टा मसलन कॉटन का, ये मैं लैरिया बनाता, जो मेरा इस तरह का बनया हुआ ना, ये असी यह लैरिया बनाता। उन्होंने कहा कि मेरा टैबी सिल्क, मसलन कॉटन, कोटा सिल्क, अलग अलग दुपट्टे बना देना। तो यदा दुपट्टा मैं ज़्यादा नहीं खोलती क्योंकि अज लैन आना है, फिर पैकिंग खराब हो जाती है। कलर यही पाए हुए ने सारे ग्रीन, थोड़ा खोल के इन्ना दिखा दें, सारे कलर्स पाए हुए ने जो सूट के बीच में। हाँ जी, नैक्स सूट इन्हों गले के उत्ते पट्टी नहीं चाहिए सी, ता करके इस तरह के बनाए हुए हैं। नॉर्मली गले के बीच साड़ी पट्टी होंगी है, स्लीव्स ने, इहदा ब्लॉक प्रिंटेड सूट है। इहदा दुपट्टा बहुत सोहना, सलवार दे नाल बने सिंपल सूट है। दुपट्टे की फिनिशिंग असी बहुत सोहनी करी है, मैं खोल के ही दिखा दिनी है, सारे चले जाने ने सूट। ये दुपट्टा और जिहड़ी लेस है वो डबल लगी है, लेस पिछे भी अज मैनू कॉल आया सी कि थोड़ी लेस बहुत सोहनी लगी हुई है, सानू लेस लगा के दोंगे। इहदे विच जिन्ने तकरीबन कलर सूट दे विच ने, बाई चांस मैनू लेस मिल गई जिहदे विच सारे कलर्स ने, हॉट पिंक भी है, ब्लू भी है, फ्रोजी भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, और उही कलर इहदे विच ब्लॉक दे विच ने। और यदी क्योंकि असी फिनिशिंग ब्लू कलर नाल करी है, तो यदि फिनिशिंग पट्टी भी असी ब्लू लगाई है, चारों पासे नीचे चौड़ी, और यह दुपट्टा बहुत ज़्यादा सोहना लगेगा। तो पिया ही बहुत सोहना लग रहा, मल्टी कलर जो उस नाल लग्या हुआ, मैं सोचा चलो ये भी दिखा दें कि आफ्टर स्टिचिंग सूट कितना सोहना लगता है। ये सारे बस पैक करके ये भी जान वाली ने। नैक्सट सूट ये किसी की फुलकारी सी, वह कहें भी बड़ी पुरानी है पर मैनू बहुत पसंद है, भी मैनू ये कुछ बना के दो। जो उन्होंने कहा ब्रूकेट का, क्योंकि टाइम साढ़े को बहुत थोड़ा सी, 15 दिन के सारे सूट तैयार किए हैं,
फिर वो कहते भी कुछ ऐदा बना दो भी ये नाल मैचिंग कुछ हो जाए। तो मैनू आइडिया आया, मैं क्या जो अगर ब्रुकेट लेके उन्होंने मैनू कोई पिक्चर दिखाई, आप इस रंग का शरारा बना दें, ये रंग का कहते शर्ट बना दो। तो मैं ब्रुकेट ले आई तो ये रंग चक लिया और ग्रीन रंग का असी शरारा बनाता, क्योंकि वो शरारा चाहते सी। सिंपल सूट बनाने से ये असं फिनिशिंग फिर शरारे वाली कराती, ज़्यादा ही सिंपल लगता सी। वो कहते भी ये जागो ते पाना होना, पर बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं सी चाहिए। ये इस तरह का बनया। सिर्फ जिवें तुसीं अपना दुपट्टे नाल कोई सूट बनाउणा चाहुंदे हो, ये सिर्फ आइडियली दिखा रही हाँ, नहीं इहदे विच दिखाउण वाला बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं सी। हांजी, मैनूं भी आइडिया आया कि हाँ जी, अपने कोल दुपट्टे पए हुंदे ने, आपां उहनां नाल किद्दां कुछ बना सकते हैं। नैक्सट सूट फिर उहनां दा ही है, ये सैल्फ क्रेप लई है, ये सैमी दे विच है। इन्हां दे सारे सूट सैमी 'च बने ने। सेल्फ क्रेप दे नाल थोड़ा उन्होंने कहा सी डार्क गाजरी कलर उन्हों का मन सीगा, तो ये बनाया उन्होंने। मेरा ये सूट टंगया देखा सी कि सानू इहदे विच्चों चुन्नी वाला कलर डाई करा दो, इस तो भी थोड़ा डार्क हो जाता अच्छा, तां करके कलर डाई कराया। मेरा भी मेरा प्योर दे उपर है, प्योर दे विच ही सेल्फ क्रेप है, उहदे उपर बनिया होया सी। ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਟਿਸ਼ੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਕਿਟ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬੇਲ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, और सारे ये वो कह रहे थे रीजनेबल हो जाए, दूर दूर कर दो, पर मैं आख्या भी नहीं, जब उन्होंने ये देखा तो नेड़े नेड़े ही करवाया सी। इहदी दुपट्टे ते भी इस तरह पूरे दुपट्टे ते वर्क है, सेम मेरा दुपट्टा बनया होया। साइडां ते असी एज इट इज ही ब्रुकिट लगा के इहदे विच असी इदां लगवाती गोटा पत्ती की दात। ये सूट ऐदा बन गया, नाले दे बॉटम प्लेन है, सैमी क्रेप दी ये, क्योंकि डाई कराया, डाई करा के प्योर वर्गी ही लुक दे रहा, पता ही नहीं लगता भी दोनों के बीच सैमी केड़ा प्योर केड़ा एक ही बन गए। नैक्सट सूट फिर फुलकारी लेके आई सी, वो कहते भी मेरे मदर का सूट है, बहुत हैवी काम नहीं चाहिए सानू। तो असी फुलकारी वाले कलर चक के पूरे सूट के विच सिर्फ सैल्फ पाते, वो ही सूट सोहना, क्योंकि एज 75 होनी है, उस एज के इदा का सूट सोहना लगता है। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲੇਸ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਤੀ। ਦੁਪੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੂਟ ਨੂੰ ਡਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੇਮ ਕਲਰ ਬਣਾਇਆ। नैक्सट सूट फिर उन्होंने मदर का ही है, ये भी बहुत हल्का काम किया, सिर्फ स्लीवस से इन्ना काम है, बॉर्डर और एक एक बूटी। लवेंडर शेड उन्होंने लाइक किया, नीचे पल्ले ते काम है, बैक ते असी काम नहीं किया, सिर्फ फ्रंट ते किया। और दुपट्टा चारों साइड ऐदा बॉर्डर करके एक एक बूटी रखी है, बाकी सारा दुपट्टा प्लेन है।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਏਜ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਲੇਨ ਸਲਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੈਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੂਟ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸਲੀਵਸ 'ਤੇ ਔਰ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਲੀਵਸ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੋਸਾ ਲੇਸ ਦਿੱਤੀ ਨੀਚੇ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਟ ਪੂਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਟਨਸ ਮੈਚ ਕਰਵਾ ਤੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੋਲਡਨ ਔਰ ਕਲਰਫੁੱਲ ਜੇ ਬਟਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟਮ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵਰਕ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਦੁਪੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਟਾਈ ਐਂਡ ਡਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਲਰ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਨੇ ਕਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਪਿੰਕ, ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਔਰ ਫਿਰ ਗੋਲਡਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਟਿਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਤਾ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੋ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਸੂਟ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਵਾਰ ਔਰ ਸਲੀਵਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਪਲੇਨ ਕਰੇਪ, ਸੈਮੀ ਕਰੇਪ। ਇਹਦੇ ਦੁਪੱਟੇ 'ਤੇ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਕਰੀ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰੀਕ ਕੰਮ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੋਟਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਟਿਚਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸੂਟ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੂਟ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਵੇਰੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ,
ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸ ਦੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਜੋ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।